सबसे जबरदस्त औजारों के इस काउंटडाउन का अगला प्रतियोगी अभी समझ जाने वाला है कि उसे टेक्नोलॉजी को सीखने में काफी समय लगेगा। अब बताओ, ये अच्छा लग रहा है ना? इससे हमारा काम हो जाएगा। जी सर। बिना सही प्रशिक्षण के नतीजे चौंका देने वाले होंगे। और इसका इस्तेमाल करके मैंने खुद बनाया है। ओ अच्छा है ना? घर में बिजली की जानकारी रखने वाला हो तो हमें सब वैज्ञानिक खोजों के बारे में पता चल सकता है। देखे तुम्हारी मशीन कैसे काम करती है। प्रशांत महासागर के न्यू कैलेडोनिया द्वीपों पर शोधकर्ता कुछ कमाल के चतुर कौओं को देखकर हैरान रह गए। गैलापागोस के कठफोड़वे फ्लिंच की तरह न्यू कैलेडोनिया के कौए टहनियों से औजार बनाते हैं ताकि पेड़ों की टहनियों से छेदों में छिपे कीड़ों के लार्वों को निकाल सके। इन कुशल कारीगरों का उपकरण इस्तेमाल करने का तरीका बहुत जटिल होता है, इसलिए उनके बच्चों को ये टेक्नोलॉजी सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पिंच की तरह कौवा कीड़ों को मारता नहीं, ना ही बिल से बाहर खींचता है, बल्कि वो सारी मेहनत लार्वे से ही करवाता है। कीड़ों के नुकीले जबड़े होते हैं जो शिकारी को काट लेते हैं, चाहे वो कौवे द्वारा डाली गई टहनी ही क्यों ना हो। जब कौवे को लगता है कि कीड़े ने टहनी पकड़ ली है तो वो उसे कीड़े समेत बाहर खींच लेता है। ये इतनी सूझबूझ भरा तरीका है कि इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एक पक्षी को मेहमान बनाया गया। मिलिए बेटी से। इसे ब्रिटेन की बहुत सम्मानित यूनिवर्सिटी में बुलाया गया है क्योंकि शोधकर्ता इसकी उपकरणों को आकार देने की क्षमता से बहुत प्रभावित है। इस प्रयोग में इसे तार का एक टुकड़ा दिया गया है, ट्रे में एक कांच की नली में खाना रखा है। पहले बेटी तार को टहनी की तरह काम में लाती है, लेकिन कीड़े की तरह खाने की टोकरी तार को पकड़ती नहीं। फिर बेटी दूसरा तरीका अपनाती है, वो दीवार की सहायता से तार को मोड़ती है। टहनी से ऐसा नहीं किया जा सकता था। अभियान पूरा हुआ। न्यू कैलेडोनिया का कौवा काउंटडाउन में नंबर 2 पर है क्योंकि नए औजारों को अपने हिसाब से आकार देने की इसकी क्षमता जीव जगत में पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन ये बुद्धिमान पक्षी भी हमारे सबसे जबरदस्त औजार निर्माता का मुकाबला नहीं कर सकते।